अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मौजूद हैं लियाकत बाग के बाहर। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नौजवान वकला यहाँ पहुँच रहे हैं। पुलिस भी आप ये देख सकते हैं ये पहुँच चुकी है। सो यहाँ आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यहाँ एहतजाज करेगी। आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये मनाजर हैं जी इस टाइम लियाकत बाग के बाहर के। यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हुए थे। तो आप ये देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी है और लोगों को साइड पे जाने का कहा जा रहा है। ये मनाजर हैं जी। बाकी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से नईम हैदर पंजोता, बाकी तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। नौजवान यहाँ पहुँचे हुए हैं और पंजाब पुलिस अभी से ही यहाँ पहुँच चुकी है। आप ये मनाजर देख सकते हैं जी, ये मनाजर है इस टाइम लियाकत बाग के बाहर के। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ लियाकत बाग के बाहर एहतजाज करेगी। और यहाँ आप ये देख सकते हैं ये सूरत हाल है इस टाइम लियाकत बाग के बाहर की। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं। सो ये सूरत हाल है जी यहाँ लियाकत बाग के बाहर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नौजवान यहाँ आज इकट्ठे हो रहे हैं और अभी उन्हें यहाँ रोका जा रहा है। सो आपने देखा किस तरह पुलिस पहुंची, पुलिस ने आके इन्हें रोकने की कोशिश की। सो ये मनाजर हैं जी इस टाइम जहाँ लियाकत बाग के बाहर के। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करते रहेंगे। ये मनाजर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ नौजवान पहुँचे हैं कुछ और वकील भी पहुँचे हैं, पुलिस की नफरी भी मौजूद है। आगे चलते हैं, आगे जाके लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। कहा जा रहा है जी क्या कहना चाहते हैं। बाप पुलिस यहाँ के मकामी के दो थानों के SHO आ गए हैं, उन्होंने ताले लगाए हुए हैं और कहा है कि यहाँ पे आप लोग ना वीडियो करें ना फुटेजेस बनाएं। हमने उनको कहा कि जैसे आप लोगों की मर्जी हम उसी तरह करेंगे, लेकिन हमें तो NOC मिली है अडियाला जेल से, तो हम उसके मुताबिक आए हुए हैं, हम तो ये चीज़ जाँच करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं आप लोग नहीं कर सकते, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम एहतजाज भी करेंगे, जलसा भी करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक दिन पहले से इंतजामिया आके जो दोस्त विजिट करने के लिए आए हुए थे उनको भी वापस भगाना चाह रही है, उनको भी पकड़ना चाह रही है। तो ये मौजूदा निज़ाम नहीं चलेगा, मैं समझता हूँ ये गलत कर रहे हैं। इनको अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपनी तसहीह करना चाहिए। आज तो हमारा ना एहतजाज है, ना किसी किस्म का कोई इज्तिमा है, ना कोई जलसा है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई दोस्त रास्ता देखने के लिए आया हुआ है, कोई लोकेशन समझने के लिए आया हुआ है, कोई दोस्तों को बताने के लिए आया हुआ है कि इस तरीके से आपने आना है, वहां से एहतजाज शुरू करना है और यहां पे इसका अंजाम होना है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वकला हैं वो पहुँच रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तहरीके इंसाफ के नौजवान मौजूद हैं। ये इस टाइम हम लियाकत बाग के बाहर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। बाकी ये सूरत हाल है इस टाइम लियाकत बाग के बाहर की। ये आप देख सकते हैं ये गेट है और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुंच रहे हैं, नौजवान पहुंच रहे हैं। पुलिस अभी से ही पहुंच गई है यहाँ लियाकत बाग के बाहर और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।